नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। अपने ही साथी की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार। थाना मंडी के अंतर्गत ग्राम जाखा खेड़ी में मिली अज्ञात लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक SS चौहान के अनुसार ग्राम जाखा खेड़ी में चंद्रशेखर स्कूल के पास मोइज हुसैन के खेत में रोड किनारे एक शव पड़ा मिला, जिस पर थाना मंडी में मर्ग कर जांच की गई। अज्ञात मृतक की पहचान सोशल मीडिया रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से भावसिंह पिता भागीरथ मालवीय उम्र 35 साल निवासी कुड़िया छीतू मंडी सीहोर के रूप में हुई। जांच में मयंक उर्फ शेंकी पिता हृदेश राठौर निवासी लोधी मोहल्लागंज सीहोर तथा नकुल पिता नरेश राठौर निवासी राजौरिया मोहल्लागंज सीहोर द्वारा मृतक की हत्या करना स्वीकार करने पर कल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन अल्टो कार को जब्त किया गया। आरोपी मयंक उर्फ शिंकी एवं नकुल द्वारा बताया कि मृतक भावसिंह उनके यहां कुछ साल पहले हाली का काम किया करता था, जिसने पैसों के लेन देन को लेकर दिनांक 28/12/2019 को शाम के समय शराब के नशे में उनके घर पर आकर पैसे की मांग कर गाली गुफ्तार कर हंगामा करने लगा, जिस पर आक्रोशित होकर इन दोनों द्वारा भावसिंह के साथ मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गया, जिसे अपनी अल्टो कार क्रमांक MP4CC1755 में डालकर एकांत जगह ले जाकर खेत में पुनः उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने पर लाश को छिपाने के उद्देश्य से ग्राम जाखा खेड़ी में चंद्रशेखर स्कूल के पास मोइज हुसैन के खेत में रोड किनारे ले जाकर फेंक दिया गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।